Hello, my beautiful YouTube family. On your request, here we go with our first vlog, or I must say, educational vlog. क्योंकि अगर एक teacher vlog बनाएगा ना, जो शायद पहली बार हो रहा है, उसमें उसकी intention होगी कि यार कुछ तो नया सीखा. So guys, आपकी request पर आप में से काफी सारे लोगों ने कहा था कि मैम अपना studio room दिखाओ, दिखाओ आप कहाँ रहते हो. तो आज के vlog में हम cover करने वाले हैं मेरा छोटा सा घर जहाँ मैं रहती हूँ, और ये मेरा temple है, मंदिर है, जहाँ मैं आप लोगों के लिए magic create करती हूँ अपनी videos के through. ये है वो digital panel जिस पर मैं अपनी PPTs प्ले करती हूँ. पर गाइज आज ना, मतलब इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू बी मेयरली अ व्लॉग. आई वॉन्ट टू टीच यू दिस यू नो ब्यूटिफुल फिनोमिनल टेक्निक टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश. टेक्निक क्या कहती है? टेक्निक का नाम ही बड़ा ट्रिपी है. नाम कहता है सोचेगा तो बोलेगा. एक ना बहुत खूबसूरत सी कहावत है, ये है वॉल लाइट्स, इनको वॉल लाइट्स बोलते हैं. तो खैर, एक ना बहुत खूबसूरत सी कहावत है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो कहावत कहती है ग्रेट टीचर्स एनकरेज माइंड्स टू थिंक. मतलब टीचर वो ही अच्छा है बाबा जो ना जुनून जगा सके, जो आपके अंदर वो स्पार्क जगा सके. मतलब वो कुड इनलाइटन दैट फायर ऑफ क्यूरोसिटी इन यू, कि आप खुद से कहो कि यार ऐसे कैसे बोलना है, इसको ऐसे कैसे बोलना है. तो खैर चलिए, आज आपको लेकर चलते हैं इस स्टूडियो रूम से बाहर ये सिखाने के लिए कि जब भी आप मुंह खोलते हैं कुछ भी बोलने के लिए, वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए. इसको इंग्लिश में कहेंगे एवरी सेंटेंस यू अटर, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस योर स्पोकन इंग्लिश. इंग्लिश बोलना कुछ नहीं है बाबा, बस एक हैबिट बिल्ड करने वाली बात है. ग्रामर तो आप कब से पढ़ रहे हो ना, ग्रामर भी पढ़ रहे हो, वोकैबुलरी भी पढ़ रहे हो, किसी ने कुछ सिखाया, किसी ने कुछ सिखाया, उसको हटाओ. वो बोलना सीखो जो आपको एग्जैक्टली बोलने का मन करता है. इनिशियली ये थोड़ा सा प्रोसेस डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको लगेगा यार इसकी इंग्लिश बन नहीं रही है. अपने माइंड को स्ट्रगल करने दो कि इंग्लिश नहीं बन रही है, अरे आज नहीं बन रही है, कल बनेगी ना. उन सेंटेंसेस को नोटबुक में बस लिखते रहो. आ जाओ, खैर ये है मेरा घर, ये है फोटो गैलरी जो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी, कुछ ऐसी फोटोज जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं. देखो, सिचुएशन समझने पर फोकस करो. लेट मी टर्न दिस AC ऑफ सो देयर इज नो बैकग्राउंड नॉइज. बैकग्राउंड नॉइज मतलब वो पीछे से जो आवाज़ आ रही है ना, वो नहीं आनी चाहिए. तो देखो, सिचुएशन समझो, आप यहाँ पर आराम से बैठे हुए हो कंफर्टेबली, और यहाँ है आपके पास एक बुक, आप रीड कर रहे हो, आपकी नज़र पड़ी वहाँ पर, वहाँ पर टॉवल नहीं है. A few moments later. आपकी नज़र पड़ी उस टॉवल पर जो नीचे फर्श पर गिरा हुआ है. अब देखो, उसको उठाना, किसी को बोलना है, वो तो अंडरस्टूड है, पर यहाँ पर ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है कि आप इस इंस्ट्रक्शन को इंग्लिश में देने की कोशिश करें. क्योंकि घर एक ऐसा सेफ प्लेस है आपके लिए वेयर यू कुड स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश विदाउट एनी फियर ऑफ बीइंग जज्ड, विदाउट फीलिंग हेजिटेंट. घर में कौन नोटिस करेगा ना, छोटे बच्चे जो घूमते रहते हैं. तो आपने चिंटू को बुलाया, वो घूम रहा है यहाँ पर. मैंने कहा चिंटू, टॉवल को उठाकर दरवाजे पर टांग दो. तो चलिए साथ में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं. चिंटू प्लीज पिक अप द टॉवल ऑफ द फ्लोर एंड हैंग इट ऑन द डोर. हैंग मतलब होता है टांगना, दरवाजे के ऊपर टांगना है, तो हैंग ऑन द डोर. पिक अप द टॉवल ऑफ द फ्लोर मतलब फर्श पर गिरा हुआ है, तो ऑफ द फ्लोर, पिक अप द टॉवल ऑफ द फ्लोर एंड हैंग इट ऑन द डोर. सिंपल सिचुएशन. दूसरी सिचुएशन देखो, यू नो यू आर सिटिंग हियर वेरी कंफर्टेबली ऑन योर विंग चेयर. तो इस तरह की कुर्सी को आप विंग चेयर बोलते हैं, क्योंकि इसके ऐसे पर निकले हुए हैं. आप चल कर रहे हो, यू नो रिलैक्सिंग, वाइबिंग, जस्ट थिंकिंग अबाउट कि क्या करना है यार लाइफ में. इतनी देर में बजती है दरवाजे की घंटी, टिंग टोंग. अब एक तरीका है कि आप एकदम उठकर देखो कि यार दरवाजे पर कौन आया. एक थॉट है, लेट द वर्ल्ड वेट फॉर यू, क्योंकि ये आपका टाइम है अपनी प्रैक्टिस करने का. तो 2-3 सेकेंड लेट ओपन करोगे डोर, कुछ नहीं होगा. तो आपने सोचा यार इस समय दरवाजे पर कौन आया होगा. अब जैसे जैसे आप खड़े हो रहे हो ना, सोच रहे हो दरवाजे पर कौन आया होगा. मैंने हिंदी बोलनी नहीं है, मैंने खुद से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेरे पास देर इज़ नो वन अराउंड विद हुम आई कुड प्रैक्टिस स्पीकिंग. तो मेरे लिए मेरा बेस्ट कंपेनियन कौन है, मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, मैं खुद से. तो मैंने खुद से सोचा इस समय दरवाजे पर कौन होगा, who it could be at the door at this hour. Could का मतलब होता है कौन हो सकता है. who it could be at the door, दरवाजे पर, क्योंकि दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ा है बंदा. who it could be at the door at this hour. at this hour मतलब इस समय यार कौन होगा. और फिर आप चले दरवाजा खोलने के लिए, आइए देखते हैं कौन है दरवाजे पर.
करण, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, प्लीज कम इन, सो ग्लैड टू हैव यू। कहाँ हो आप इतने दिनों से? देखो अभी करण तो एग्जैक्टली मेरे को हेल्प कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड करने में, पर एक सिचुएशन समझो, कई बार ऐसा होता है ना कि आपके रिलेटिव्स या क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, एक ही सेंटेंस तो बोलना है फ्लॉन्ट करने के लिए इंग्लिश में, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, बड़ा अच्छा लगा आप आए, सो ग्लैड टू हैव यू, जैसे चिंटू भागा हुआ आया कि दरवाजे पर कौन है, चिंटू कहाँ है, चिंटू है यहाँ पर। सो चिंटू आया और चिंटू ने कहा कौन है, तो मैंने कहा चिंटू भैया को हेलो बोलो, से हेलो टू भैया। अब देखो जब आप किसी के घर जाते हो ना तो एक बहुत ही प्यारा सेंटेंस है कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करने के लिए। आप किसी के घर अगर पहली बार जा रहे हो, आप उनको बोलो व्हाट अ लवली अपार्टमेंट यू हैव, व्हाट अ लवली अपार्टमेंट यू हैव, मतलब कितना प्यारा अपार्टमेंट है आपका जहाँ पर ऐसे बिल्ली सो रही होती है, यू आर स्लीपिंग। तो सेंटेंस क्या है, वाओ व्हाट अ लवली अपार्टमेंट यू हैव, ऐसे चेहरे पे एक्साइटमेंट लेकर जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ और बोलो। करण प्लीज बैठिए आराम से, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, क्योंकि पानी नहीं था तो मैंने कहा मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, आई विल गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, आई विल गेट यू, गेट मतलब होता है लाना, क्या लाएंगे आप, पानी लाएंगे, आई विल गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर। तो मैं पानी लेकर आती हूँ और फिर आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी करण गए हैं वॉशरूम में और उन्होंने वॉशरूम में जाने से पहले बोला आपकी बिल्ली बहुत प्यारी है, उन्होंने हिंदी में कहा था पर इसकी इंग्लिश होगी योर कैट इज सो एडोरेबल, एडोरेबल मतलब प्यारी। सो गाइज बिफोर ही गेट्स बैक फ्रॉम वॉशरूम देर इज दिस ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। देखो आप लोगों के मैं कॉमेंट्स पढ़ती हूँ और अभी पोल भी किया था, उस पर भी काफ़ी सारे लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई। देखो अगर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रही है ना, उसका एक बहुत मेजर रीज़न ये हो सकता है कि हम यू नो खुद को वी ऑल डे लॉन्ग वी कीप कर्सिंग आवरसेल्फ कि तुझसे तो हो ही नहीं रहा है, तुझसे तो होगा ही नहीं, तुझे आता ही नहीं है, तेरी ग्रामर ही ठीक नहीं है, तेरे को वोकैबुलरी नहीं आती। देखो आपके जो वर्ड्स हैं ना वो आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, यू बिकम एग्जैक्टली वॉट यू टॉक अबाउट ऑल डे लॉन्ग। सो इफ यू आर कर्सिंग योर सेल्फ ऑल द टाइम दैट योर इंग्लिश इज नो गुड, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू बिकम योर रियालिटी। एक बहुत खूबसूरत लर्निंग है इस चीज़ के पीछे कि यू नो डू नॉट यूज योर वर्ड्स टू टेल योर सिचुएशन, टू डिस्क्राइब योर सिचुएशन, यूज योर वर्ड्स टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। आप जो चाहते हैं ना कि मेरी लाइफ में ऐसा हो, वैसे शब्द बोलना शुरू करें, क्योंकि अगर आप नेगेटिव वर्ड्स बोलोगे तो आपका माइंड कंडीशन हो जाएगा कि यार इसकी रियलिटी यही है। आपने देखा नहीं जो लोग परेशान रहते हैं वो हमेशा परेशान ही रहते हैं, जो खुश रहते हैं वो हमेशा खुश ही रहते हैं। यही है द पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड्स, ये एक बहुत खूबसूरत बुक है जो मैंने सुनी थी कुकू FM पर, जो इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। दे हैव मोर देन 4,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो कॉन्टेंट जो आप सुन सकते हैं दिन रात अपने ब्रेन को तैयार करने के लिए 360 degree एंगल से एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए लाइफ में। आई हैव बिन लिसनिंग टू कुकू FM फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड आई होल हार्टेडली रिकमेंड यू टू इवन स्टार्ट यूजिंग दिस एप्लीकेशन। ये पेड एप्लीकेशन है पर बहुत ही अफोर्डेबल है, 399 rupees आपको कॉस्ट करती है एक साल का, पर अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको इसमें भी 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दिस एप्लीकेशन विल कॉस्ट यू जस्ट 199 rupees फॉर अ ईयर। तो क्या है, हम आपको बस इतना रहे हैं कि अपनी टाइम, एनर्जी और मनी को ऐसे रिसोर्सेज में यूटिलाइज करें जिसका आपको बेटर ROI मिले, क्योंकि 199 rupees का मतलब होता है बस 54 paisa एक दिन का, और अगर 54 paise में आपको वो चीज़ें सीखने के लिए मिल सकती हैं जो आपके स्कूल और कॉलेजेस ने आपको नहीं सिखाई, इससे बेटर ROI कहाँ मिलेगी ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं चेक करती हूँ कि करण कहाँ रह गए हैं। अरे ये क्या, टेबल की इतनी बुरी हालत, इतना बुरा तरह से टेबल फैला हुआ है। तो अब मैंने यू नो जितने करण वॉशरूम में हैं, मैंने चिंटू को बोला चिंटू टेबल साफ कर दो, भैया बाहर आएंगे तो देखकर क्या कहेंगे, अब इसकी इंग्लिश आप सजेस्ट करो, टेबल साफ कर दो। टेबल क्लीन नहीं करना है, डीक्लटर करना है। सो आप कहेंगे डीक्लटर द टेबल, और आप ये भी कह सकते हैं क्लियर द टेबल। अब आपके लिए क्वेश्चन, तो जैसे ही करण बाहर आएंगे ना वॉशरूम से, मुझे उनके लिए बनानी है चाय। तो मैं सोच रही हूँ, अभी दिमाग में एक थॉट बिल्ड कर रही हूँ कि मैं करण से पूछूंगी करण आप चाय में चीनी कितनी लेंगे। आप कोशिश करें, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है, जब तक खुद से नहीं सोचेंगे तब से कुछ नहीं होने वाला। इस मेज को बोलते हैं कंसोल टेबल,
और ये जो प्यारा सा शीशा है जिसमें आप अपनी प्यारी सी शक्ल देखते हैं, इसको बोलते हैं लुकिंग मिरर। ये जो बुक है ना, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि अपने आप को शीशे में देखकर ना रोज प्रेस करो, ओह हाउ ब्यूटीफुल यू आर, व्हाट अ लवली फेस यू हैव। अपने आप से जितनी पॉजिटिव चीज़ें आप बोलोगे ना, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे। एक क्वेश्चन आपके लिए, ये चप्पलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं और आपके दिमाग में एकदम थॉट आई कि आप किसी पर तो गुस्सा करके बोले, ये चप्पल यहाँ क्या कर रही है, इसको इसकी जगह पर रखो। कोशिश करें ट्रांसलेट करने की। गाइज, ये है मेरा प्यारा बालकनी गार्डन। मुझे प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये मेरा प्यारा सा गार्डन है। इसमें मैं हर 2-3 महीने के बाद जाती हूँ, प्लांट्स खरीदती हूँ और लाकर रखती रहती हूँ। तो अब करण आए मेरे बालकनी गार्डन में और उन्होंने बोला, अरे इतने सारे प्लांट्स, वो सो मेनी प्लांट्स यू हैव गॉट। ऐसा लगता है कि आपको पेड़ों का बहुत शौक है, आपको पेड़ों का बहुत शौक है। थॉट माइंड में बिल्ड हुई, थॉट के माइंड में बिल्ड होते ही आपने प्रोसेस करना शुरू किया कि इंग्लिश क्या होगी। तो इंग्लिश आप कह सकते हैं, वाओ इट सीम्स लाइक यू हैव ग्रेट लाइकिंग फॉर प्लांट्स, यू हैव अ ग्रेट लाइकिंग फॉर प्लांट्स। अच्छा, इस प्लांट का नाम होता है जेड, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं वो फ्लैशी हैं, ऐसे पानी भरा होता है ना लीव्स में। इस प्लांट की फैमिली को आप कहते हैं सर्कुलेंट फैमिली से है ये प्लांट, और प्लांट का नाम है जेड। अब आप एक कमेंट करें जिसमें आप प्लांट, यू नो, इस बालकनी गार्डन के बारे में कुछ बोलें। थॉट्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। कई बार जब क्लासरूम सेशंस में मैं पढ़ाती थी तो मैंने एनालाइज करा कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट ग्रामर एंड वोकैबुलरी, समटाइम्स पीपल आर नॉट एबल टू फॉर्मुलेट राइट सॉर्ट ऑफ थॉट्स, मतलब दिमाग में विचार ही नहीं है। और जब विचार नहीं होते तो क्या होता है, सही तरह से इंग्लिश दिमाग में ही नहीं आती है। चलिए खैर, अब चलते हैं इस व्लॉग के एंड की तरफ। ये है एक और रूम जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अब आप बताएं कि नेक्स्ट व्लॉग में क्या आप सीखना चाहते हैं कि एक होटल में इंग्लिश कैसे बोलनी चाहती जाएगी, या किसी रिजॉर्ट पर आप गए हैं, रेस्टोरेंट में गए हैं, तो क्या कम्युनिकेशन स्टाइल होना चाहिए। अब मुझे चाहिए आपका बहुत सारा प्यार और बहुत सारी फीडबैक, क्योंकि मैंने करी है बहुत सारी मेहनत करण के साथ इस व्लॉग को रिकॉर्ड करने में। तो अब आप अपना फीडबैक बताएं और मुझे बताएं कि क्या अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। अगर हाँ, तो मैं हमेशा तैयार हूँ टू गो आउट ऑफ माई वे टू प्रिपेयर अमेजिंग इंग्लिश लेसन फॉर यू। वेल, दिस इज विद्युषी साइनिंग ऑफ। अंटिल वी मीट अगेन, थैंक यू।